हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि अदानी ग्रुप की मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन लगता है इस पर ब्रेक लगने की अभी हाल के दिनों में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अदानी ग्रुप के दो और शेयरों को लंबी अवधि के लिए निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया है। NSE और BSE की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप की दो शेयरों को 27 मार्च यानी सोमवार से ASM फ्रेमवर्क स्टेज 1 कैटेगरी में रखा गया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। जिन दो कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज ने 27 मार्च यानी सोमवार से ASM फ्रेमवर्क स्टेज 1 कैटेगरी में रखने का फैसला किया है, उसमें अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन शामिल है। बता दें कि 10 मार्च को दोनों एक्सचेंजों ने दोनों कंपनियों को लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेज के तहत रखा था, जिसे अब पहले स्टेज में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी ये स्टॉक लगातार दूसरे स्टेज ASM फ्रेमवर्क में बने हुए हैं, लेकिन 27 मार्च से इसे लोअर कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फाइलिंग में कहा गया है कि इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक दूसरा स्टॉक है जो ASM फ्रेमवर्क के स्टेज 2 से पहले स्टेज में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें स्टॉक लंबे समय तक निगरानी में रहेगा, इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की ओर से इस पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल जब किसी शेयर में ज्यादा गिरावट आती है तो निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग या स्पेक्युलेटिव ट्रेड से बचाने के लिए एक्सचेंज इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क यानी ASM में डाल देते हैं। बता दें अदानी ग्रुप के 10 लिस्टेड कंपनियों में से 7 स्टॉक शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। NSE पर NDTV के शेयर 4.70% तक गिर गए। इसके अलावा अदानी पावर 4.32%, अदानी विल्मर 2.96%, अदानी इंटरप्राइजेस 2.68%, अदानी पोर्ट्स 2.69%, ACC 2.33% और अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 0.44% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान NDTV का शेयर BSE पर अपने लोअर सर्किट तक पहुंच गया। हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5%, अदानी ट्रांसमिशन का 4.20% और अदानी टोटल गैस का शेयर 2.44% चढ़कर बंद हुआ। बता दें अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से इसके शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रुप का मार्केट कैप $120 अरब तक गिर गया था, जबकि गौतम अदानी की संपत्ति में करीब $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक।